फैटी लीवर डिजीज एक कॉमन कंडीशन होती है जिसमें लीवर में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। ज़्यादातर केस में फैटी लीवर डिजीज में कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती और लीवर नॉर्मल फंक्शन करता रहता है, लेकिन कुछ लोगों में ये कंडीशन टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है और डेंजरस होती जाती है। फैटी लीवर की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में लीवर में इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाती है जिससे लीवर टिश्यू डैमेज होते हैं। इस स्टेज को स्टेटोहेपेटाइटिस बोला जाता है। सेकेंड स्टेज में डैमेज वाले एरिया में स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को फाइब्रोसिस बोला जाता है। थर्ड स्टेज में ये स्कार टिश्यू एक्सटेंसिव हो जाते हैं और हेल्दी टिश्यू को रिप्लेस कर देते हैं। इस कंडीशन को सिरोसिस बोला जाता है। सिरोसिस होने पर लीवर को सीवियर डैमेज होता है और हेल्दी लीवर टिश्यू की जगह हार्ड स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीवर के फंक्शन स्लो डाउन होते हैं और वर्स्ट कंडीशन में लीवर फंक्शन पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। सिरोसिस की वजह से लीवर फेलियर और लीवर कैंसर हो सकता है। फैटी लीवर डिजीज़ की मेनली 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ उन लोगों को होती है जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और एक्सेस अल्कोहल इंटेक की वजह से लीवर में फैट एक्युमुलेशन होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ उन लोगों को होती है जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इसका ज़्यादा रिस्क होता है। ज़्यादातर लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम होने पर कोई सिम्टम्स नहीं आते। सिम्टम्स तब आते हैं जब डिजीज़ प्रोग्रेस करके सिरोसिस वाली स्टेज तक पहुँच जाती है। इसके सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, भूख न लगना, वेट लॉस और साथ ही टायर्डनेस और वीकनेस होती है और जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस की वजह से स्किन और आइज में येलोइश पिगमेंटेशन हो जाता है। फैटी लीवर डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है और लीवर के एंजाइम्स के लेवल देखे जाते हैं। लीवर एंजाइम्स के लेवल इंक्रीज होने पर हमें लीवर इंजरी का पता लग जाता है और इसके बाद एडवांस डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और लीवर बायोप्सी जैसे टेस्ट किए जाते हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि डिजीज़ किस लेवल पर है और इसका प्रोग्रेस रेट कितना है और ये कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। लीवर के पास खुद को रिपेयर करने की अमेजिंग एबिलिटी होती है। डाइट कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट और एल्कोहल को अवॉइड करके स्टार्टिंग स्टेज में फैटी लीवर को रिवर्स किया जा सकता है। एडवांस स्टेज में सिरोसिस होने पर लीवर फेलियर हो जाता है और लीवर ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लीवर सिरोसिस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।